हम डिस्कस कर लेंगे स्टार्ट <laughs> करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू के साथ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट टेन परसेंट पर एनम फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इन ईच ऑफ फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस तीन केसेस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट केस में दिया हुआ है इफ ही विदड्रॉ सेवेंटी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ठीक है सेकेंड केस में दिया हुआ है इफ ही विद्रो सेवेंटी फाइव हंड्रेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ठीक है के लास्ट केस में दिया हुआ है इफ ही विद्रो सेवेंटी फाइव हंड्रेड द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट तो केस फर्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू केस फर्स्ट बिगिनिंग में हो रहा है ना ये तो इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्रॉइंग ये केस फर्स्ट है ठीक है इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्रॉइंग देखो विड्रॉ कितना कर रहे हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्वार्टर चार क्वार्टर्स होते हैं इंटू टेन परसेंट अपॉन हंड्रेड और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड मैं आपको बता देती हूँ एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा तो एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू देखो अप्रैल से लेके मार्च तक बारह महीने होते हैं तो ट्वेल्व मंथ प्लस ये तो फर्स्ट ड्राइंग हो गई और सेकेंड ड्राइंग की अगर बात करें तो जनवरी से लेके मार्च तक सेकेंड ड्राइंग होती है जनवरी से लेके मार्च तक महीने होते हैं तीन क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो इसका मतलब प्लस थ्री मंथ अपॉन टू इज इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फाइव तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा आ रहा है एटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है इसके बाद में केस सेकेंड सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना तो इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्राइंग्स 7500 फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टेन अपॉन हंड्रेड अब फिर से इसका हमें एवरेज पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू वही अब इसमें क्या है एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि जुलाई टू मार्च तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च यानी कितने महीने हो गए नौ महीने हो गए तो नाइन मंथ प्लस एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि जीरो मंथ क्योंकि मार्च तक मंथ खत्म हो जाता है ईयर तो जीरो मंथ अपॉन टू तो ये हो गया फोर पॉइंट फाइव मंथ तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व तो ये आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है इसके बाद में आ जाते हैं केस नंबर थर्ड पर थर्ड केस में आपको क्या बोला जा रहा है इफ ही विद्रॉ सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी मंथ ओके तो इंटरेस्ट ऑन सेवेंटी फाइव हंड्रेड मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और ऊपर का फिर से समझा दूंगी सेवेंटी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर इन टेन अपॉन हंड्रेड अब क्योंकि कोई श... अब चलो पहले इसका भी समझा देती हूँ कि आ, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा एवरेज uh, पीरियड का मतलब हो गया कि फिफ्टीन जून टू थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन जून लिख देती हूँ फिफ्टीन जून से सॉरी फिफ्टीन जून से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च है मिडिल का यही तो मतलब हो तो थर्टी फिफ्टीन जून से लेकर थर्टी फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च तक होते हैं टेन पॉइंट फाइव मंथ और अगर हम बात करें कि लास्ट ड्राइंग की अगर हम बात करें तो लास्ट ड्राइंग होगी फिफ्टींथ फैब से लेके फिफ्टींथ फैब टू थर्टी फर्स्ट मार्च तो ये हो गया आपका टेन पॉइंट फाइव मंथ प्लस मंथ तो यहां पे ये हो गया फिफ्टीन हंड्रेड दिस इज द आंसर एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ देखो फर्स्ट वाले केस में क्या बोला जा रहा है फर्स्ट केस में आपको बोला गया है यहाँ पर कि बिगनिंग में बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो ये फॉर्मूला तो पिछले काफी सारे उनसे पढ़ते आए हैं ना हम कि सेवेंटी फाइव हंड्रेड जो कि ड्राइंग थी वो उसके बाद में इनटू क्वार्टर एक साल में चार क्वार्टर्स होते हैं चार क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय टेन अपॉन हंड्रेड क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टेन परसेंट इंटरेस्ट उसके बाद में ये सेवन पॉइंट फाइव ऐसे आया <coughs> सॉरी देखो बिग पूरे साल में चार महीने बारह महीने होते हैं ट्वेल्व इंटू क्वार्टर बोल रहा है वो कि बिगनिंग में अगर बिगनिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब ये अप्रैल में और जून ठीक है तो वो प्लस फिर ये कैलकुलेशन आप कर लेना सेम इसी तरीके से सेकेंड वाले केस में क्या बोला जा रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो ये तो वही सेम है बिल्कुल सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू क्वार्टर इंटू टेन अपॉन हंड्रेड फोर्टी फाइव फोर पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व कैसे आया वो देखो आप देखो बोल रहे की एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कितना हो गया अगर आप स्टार्टिंग के तीन महीने निकाल दो तो बाकी बचे कितने नौ महीने नौ प्लस क्योंकि एंड तो क्योंकि मार्च में थर्टी फर्स्ट मार्च तक होगा इसलिए जीरो मंथ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय टू ये आप सॉल्यूशन खुद निकालना ठीक है उसके बाद में केस थर्ड में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू फोर इंटू टेन अपॉन हंड्रेड ये सिक्स अपॉन ट्वेल्व कैसे आया वो बता देती हूँ एवरेज पीरियड आपने निकाला वो इसमें बोला जा रहा है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि जून के महीना अब क्योंकि मिडिल है इसलिए पंद्रह जून मानोगे आप पंद्रह जून से लेके इकतीस मार्च तक तो पंद्रह जून से लेके इकतीस मार्च तक अगर आप अभी जून को हटा दो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च और पंद्रह पंद्रह मतलब ये वाला आपने आधा महीना लिया है इसलिए पॉइंट फाइव किया है और क्योंकि मिडिल है इस वजह से आ, मतलब फ़रवरी से लेके मार्च तक यानी डेढ़ महीना अपॉन टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में क्या बोला जा रहा है कि कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ Sharing profit in the ratio two is to one capital of rupees uh, five lakh and four lakh respectively kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel uh, expenses for her son hai? Uh, first april co ten thousand rupees first June co nine thousand rupees first November co fourteen thousand rupees first december co five thousand rupees uh, Gautam withdrew fifteen thousand on the first date of April, July, October, and January to pay rent for the, uh, the accommodation of his family. He also paid twenty thousand per month as rent for the office of partners uh, partnership, which was an nearby shopping complex. Calculate. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट सिक्स परसेंट पर एन एम अब देखो ये वाले जो डेट्स दिए गए कनिका ने जब विद्रॉ किया है ये जो डेट दिए गए ये रैंडम कोई भी डेट उठा ली है अगर रैंडम कोई भी डेट उठाई है तो हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे उसके बाद जो सेकेंड पार्टनर है गौतम उसने क्या है आप अगर ध्यान से देखोगे अप्रैल जुलाई फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी ये सारा एवरी <coughs> क्वार्टर का फर्स्ट डे है ठीक है अगर एवरी क्वार्टर का फर्स्ट डे है इसका मतलब हम वाला जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में 12 किया था बाई करेंगे और उसके बाद में नीचे दिया हुआ है कि ही किउजेंड इज पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसका मतलब ये हमारी ड्राइंग नहीं है क्योंकि ये तो ऑफिस का रेंट है वो भी पार्टनरशिप के शॉपिंग <laughs> कॉम्प्लेक्स का आपने रेंट पे किया है तो ये ड्राइंग तो नहीं हो सकता चलो तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री करना स्टार्ट है, करते हैं बाकी की चीजें हम क्वेश्चन कर सॉल्व करते करते समझ लेंगे इंटरेस्ट ऑन कनिकाज ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कनिका ड्रॉइंग्स तो देखो आप डेट क्या क्या दी हुई हैं फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट जून फर्स्ट नवंबर और फर्स्ट दिसंबर यही डेट्स है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हाँ ठीक है फर्स्ट अप्रैल को टेन थाउजेंड रुपीज फर्स्ट जून को नाइन थाउजेंड फर्स्ट नवंबर को फोर्टीन थाउजेंड और फर्स्ट दिसंबर को फाइव थाउजेंड अब अगर हम मंथ देखें तो फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च तक बारह महीने होते हैं फर्स्ट जून टू थर्टी फर्स्ट मार्च तक नौ महीने होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, मार्च नवंबर से थर्टी फर्स्ट मार्च तक 5 महीने होते हैं और फर्स्ट दिसंबर से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक चार महीने होते हैं हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट के साथ तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व करोगे तो ये आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नाइन थाउजेंड का मल्टीप्लाई नाइन के साथ करोगे ये नौ हज़ार रुपए अच्छा एक सेकेंड ये यहाँ पे टेन है मैंने गलती से नाइन लिख दिया है ये टेन होगा क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर और मार्च टेन मंथ होते हैं आ, ये नौ हज़ार रुपए दस महीने के लिए निकाले गए हैं यानी नब्बे हज़ार रुपए ये चौदह हजार रुपए केवल पांच महीने के लिए निकाले गए हैं यानी सत्तर हजार रुपए ये पांच हजार रुपए चार महीने के लिए निकाले गए हैं यानी बीस हजार रुपए इन सबको जोड़ लेंगे तो मेरा आ रहा है तीन लाख टोटल तीन लाख रुपए का विड्रॉल है इंटरेस्ट निकाल देंगे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री lakh into सिक्स अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ट्वेल्व जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड Interest on drawing for Gotham, April, July, uh, October. और जनवरी यानी फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर यही तो मतलब हुआ ना अप्रैल को फर्स्ट डेट को जू जुलाई की फर्स्ट डेट को अक्टूबर की फर्स्ट डेट को और जनवरी की फर्स्ट डेट को यानी एवरेज पीरियड इज़ इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फाइव एम ये ऊपर समझाया था अभी सेवन पॉइंट फाइव कैसे आया उसके बाद मतलब इससे पहले वाले, वाले क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन हंड्रेड इनटू एवरेज पीरियड तो टोटल ड्राइंग है फिफ्टीन थाउजेंड इंटू रेट फोर इंटू रेट दी हुई है सिक्स अपॉन हंड्रेड ये फोर क्वार्टर है इंटू सेवन पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड दिस इज द आंसर होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन <coughs> एग्जाम में आते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना अच्छे क्वेश्चन हैं आज हमने किया क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टू और फोर्टी थ्री नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे फोर्टी फोर से लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू सो मच वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूला करो यार अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के काफी अच्छा लगता है बहुत मोटिवेशन मिलता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय